चौधरी कोचिंग क्लासेस की ओर से 5 लाख रुपए की स्कॉलरशिप घोषणा। ये स्कॉलरशिप कम एंट्रेंस एग्जाम 2023 के SSC बोर्ड में अपियर होने वाले स्टूडेंट्स के लिए है। CCC स्कॉलरशिप एग्जाम में अगर आप 80 से ज्यादा परसेंटेज से फर्स्ट और सेकंड रैंक पाते हो तो आपको 1 लाख रुपए की स्कॉलरशिप दी जाएगी। साथ ही साथ 10 रैंक तक विभिन्न स्कॉलरशिप है। संडे 12 फरवरी 2023 दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक ये स्कॉलरशिप एग्जाम है। रजिस्ट्रेशन के लिए आज ही संपर्क करें। भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के आयुक्त के आदेश पर नलपट्टी घर पट्टी वसूली करने का कार्य जोरों से। बता दें कि अभय योजना लागू है और इस बीच महानगर पालिका के आयुक्त विजय कुमार मसाल ने अपने 5 प्रभाग के प्रभाग अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इस बार जो है शहर के विकास को लेकर वसूली जोरों शोरों से की जाए। जहां तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं भिवंडी के नएगांव क्षेत्र सागर प्लाजा होटल के समक्ष की। प्रभाग समिति 1 के सहायक आयुक्त सुदाम जादव अपने अधिकारी कर्मचारियों के साथ में वसूली करने के लिए उतरे, जहाँ खासकर आपको बता दें कि महिला मनपा कर्मचारी भी दिखाई दी। जानकारी के अनुसार प्रभाग समिति 1 में ब्याज के साथ में 16 करोड़ रुपए तक की वसूली हो चुकी है। वहीं सुदाम जादव ने अपनी पूरी जानकारी हमारे चैनल के समक्ष रखी कि किस तरह से वह वसूली कर रहे हैं और नागरिकों का किस तरह से सहयोग है। साथ ही साथ इन्होंने अपील भी की कि भिवंडी शहर के विकास के लिए नागरिकों को टैक्स भरना अनिवार्य है। जो वसूली की जा रही है कितने लाख रुपए की वसूली होती है? माननीय आयुक्त साहब के आदेश के अनुसार अभय योजना 2023 तक 17 फरवरी तक छूट दी है। अभय योजना का पूरा सहयोग प्रभाग समिति 1 के अंतर्गत सभी नागरिक को साथ कार्रवाई का हम कार्रवाई चालू है। आज प्रभाग समिति अंतर्गत एक जो जितनी महिला है, अगर अपन वसूली नहीं होगी तो महापालिका का अगला जो समझो विकास काम है वो रुक जाएगा। इसलिए जितना घरपट्टी अपने को आ सके और नागरिक को अपन सुविधा अच्छी दे सके, हमारा माननीय आयुक्त साहब के माध्यम से यही साहब से हमने वसूली करना चालू है।